बीते दिन फगवाड़ा विखे श्रोमणी अकाली दल वालों किए गए हल्लाबोल प्रदर्शन दौरान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वालों 2017 दी विधानसभा चोणों संबंधी RSS और BJP नूं लैके जो टिप्पणी की गई सी उस ते अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करदिआं होइआं हुशियारपुर तो सबका केंद्रीय राजमंत्री विजय सापला चब्बेयाल तो आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू हरमिंदर सिंह संधू ने की कहा आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। देखो लंबा समय बिताउण तों बाद अगर इस तरह दीआं गल्लां पछोकड़ दीआं करनीआं और पहलां उहनां दे नाल मीटिंगां भी करनीआं और बाद दे विच उहनां दे नाल BJP दे नाल इन्ना लंबा समझौता करना तो जे उहनां नूं इन्नी शंका सी तां समझौता उदों भी तोड़ सकदे सी और इह गल्लां उदों नहीं निकलीआं हुण अज समझौता टुट जाणा तो कई तरह के असी कितने ऐसा वाद विवाद नहीं खड़ा किया असी तो हमेशा गठबंधन धर्म निभाया सी और अपना फर्ज न पूरी तरह समझते हुए काम किया और मैं ये कहांगा कि सुखबीर जी का ये बयान असी वो बयान है जिदी असी उम्मीद नहीं करते राजनीतिक कारण करके एक दूसरे के विरोध बयान देना तो हो सकता पर पुराने संबंधों नूं लैके जिन्हों वो 9 मास का रिश्ता या बाकी सब कुछ कहिंदे रहे उन्हां संबंधों के उत्ते भी किंतु परंतु करना ये मैं समझदा उचित नहीं है और ये सुखबीर जी के बयान की इसकी मैं जे कहां तो निंदा ही कर सकता और ये ठीक बयान नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन के विच RSS ने कांग्रेस का साथ दिता फिर भी असीं इन्नियां सीटां अपने दम ते लैके गए। मैं भी तो यही गल कर रहा ना, मैं होर किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा, इस चीज़ का जवाब दे रहा क्योंकि उन्होंने यही कहा कि जी सारिया वोट तो जिहड़ियां सी उन्होंने कांग्रेस नूं पवा दित्तियां। भाई साहब जे असी उहदा जवाब देखिए तो उदू बाद 2019 च चुनाव होए आ तो जिहड़ियां शहरी सीटां सी उहदे च तो भावें उन्हां दे कैंडीडेट सी जलंधर तो उन्हां दा कैंडीडेट सी जिहड़ियां तो BJP दीआं शहरी सीटां सी उत्थों वोट लै गए पर हारे कित्थे जा के उह अकाली वालीआं सीटां तों तो यह मतलब है कि लोगों के उन्होंने प्रति कित कोई जी विश्वास है खत्म हो गया सी। अच चाहे वह जिन्या भी अकाली दल दीटा मतलब पेंडू सीटा सगिया शहरी जिते BJP का प्रभाव से उतों वो व्डे मार्जन न जिते है और जिते अकाली दल का सीधा प्रभाव से उतों ही हारे तो यदा मतलब वो दोष सानू नहीं दे सकते वो उन्होंने प्रति जी नफरत सी लोगों के अपना विश्वास खो चुके से कारण से। देखो जदों अज BJP सरकार ने उन्हां नूं कन्नों फड़ के उन्हां तों बजीरी खोली आ ते सुखबीर बादल उन्हां नूं अज RSS दे जो बयान दे रहे आ अज ओह चेते आ गए ये तो हुण बशर्मी दी हद हुंदी आ पर इन्हां दे कोल कोई इदां दी कोई पैमाना है नहीं गा। अज यही बंदे कल जिहड़े जफ्फियां पाउंदे सी 9 मास दा रिश्ता दसदे सी आ बादल साहब का पहला स्टैंड तो बड़े बादल साहब का स्टैंड स्पष्ट करा लो भी वो हाले नाल वाक उन्हां दे खिलाफ वाक अलग हो गए आ क्योंकि वो कहिंदे सी भी मेरे जदों तक तो मैं जींदा वा उदों तक तो नहीं BJP तो अकाली दल वख हो सकता तो अज जदों उन्हां दी कुर्सियां चल गई तो अज RSS ते कांग्रेस रली हुई उन्हां नूं लगन लग पई आ। अज दी जो कैप्टन सरकार आ और बादल साहब ये 74 साल तो राज करते आ रहे हैं पंजाब ते जो अज का माहौल आ इस तो देख के जो ये कल बयान ये भी दे रहे थे जिस घर दियां असी संघर्ष बहुत किया मोर्चे बहुत लाए बई जिस घर की नींह मजबूत आ तो वह ढहिंदा नहीं हुंदा। बादल साहब मैं तुहानू मीडिया के जरिए दसना चाहुंदा बई तुहाडे रेत के महल हुण लोकां ने 2022 दे विच ढा देने आ ते तुहाडे अखीं ये देख के जायो हुण क्योंकि अकाली दल नूं खत्म करन लई तुहाडा बहुत वड्डा योगदान आ ते ये अपना योगदान खत्म करन लई तुसीं अकाली दल पाउंदे रहो लोकी 2022 दे विच तुहाडियां दोनों रवायती पार्टियां तो जाणू हो चुके आ और आम आदमी पार्टी की सरकार लियाउण लई लोक पब्बां भर होए पए आ और असी लोकां दे नाल पंजाब दे लोकां दे नाल किसानां दे नाल आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी आ और 2022 दे विच सरकार आम आदमी पार्टी की आऊगी। सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।